रणबीर कपूर और कार्तिक आर्यन ये दोनों लगभग सेम कैटेगरी के एक्टर्स हैं, क्योंकि ये दोनों जनरली अपनी मूवीज में प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप कॉमेडी यही सब करते हैं। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में से बेस्ट कौन है। इस कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, यानी कि वर्सिटैलिटी से। तो भाई हमने रणबीर कपूर को कॉमेडी में देखा है, सीरियस रोल्स में देखा है और एक्शन में भी देखा है। और भाई असली बात ये है कि रणबीर कपूर इन सब में अलग अलग दिख रहे थे, जबकि कार्तिक आर्यन अपने हर कैरेक्टर में मुझे सेम ही लगते हैं। हालांकि ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। क्या आपको कार्तिक आर्यन वर्सेटाइल लगते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो भाई हम अच्छे से जानते हैं कि रणबीर कपूर कपूर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग की वजह से उन्हें कभी भी नेपोटिज्म का माल या फिर स्टार किड नहीं बोला गया। और कार्तिक आर्यन भी अपनी मेहनत से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो भाई एक्टिंग में तो ये दोनों ही कमाल के हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है लव स्टोरी का। तो भाई ये पॉइंट और ये कैटेगरी इन दोनों एक्ट्रेस पे अप्लाई होती है, लेकिन फर्क बस इतना है कि रणबीर कपूर आइडल लव स्टोरी दिखाते हैं और कार्तिक आर्यन रियल लाइफ लव स्टोरी दिखाते हैं, यानी कि रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स। और भाई अपने अपने काम में ये दोनों ही खिलाड़ी है, तो यहाँ पे तो टाई हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डांस का। हमने कार्तिक को भी तगड़ा डांस करते हुए देखा है और रणबीर को भी तगड़ा डांस करते हुए देखा है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से रणबीर कपूर ज्यादा अच्छा डांस कर लेते हैं कार्तिक आर्यन से। अगेन ये भी एक पर्सनल ओपिनियन है जो कि सबका अलग हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वन मैन शो का, यानी कि इन दोनों ने अपने दम पे कितनी मूवीज चलाई है। तो भाई इस केस में कार्तिक आर्यन रणबीर कपूर से बहुत आगे निकल गए हैं, क्योंकि कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 2 सिर्फ अपने दम पे चला दी है, जबकि ये सेम मौका रणबीर कपूर को भी मिला था शमशेरा के टाइम पे और वो फ्लॉप हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपकमिंग मूवीज का। तो भाई न्यूज कुछ ऐसी आ रही है कि कार्तिक की बेस्ट फ्रेंचाइजी यानी कि प्यार का पंचनामा पे काम चल रहा है और लव राजन इसको जल्द ही लेके आ रहे हैं, जिसमें कार्तिक का होना तो कंपलसरी है। बात रही रणबीर कपूर की, तो रणबीर भी हमें बिल्कुल एक नए अवतार में दिखने वाले हैं एनिमल मूवी में। और भाई मुझे लग रहा है कि ये मूवी कुछ बहुत तगड़ा कर जाएगी। तो भाई फाइनल बात यही है कि मैं तो इन दोनों एक्टर्स का फैन हूँ। कंपैरिजन तो होता रहता है सिचुएशन के हिसाब से। आप इन दोनों में से किसकी टीम में हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।